Okay, hello everyone, and welcome back again once more, maybe 15th or 16th time in this month. Last day है मंथ का, और होपफुली सबका अगस्त सेफली निकला होगा. ओके, आज इस लास्ट डे ऑफ द मंथ के इवनिंग लेक्चर में वी आर टेकिंग ऑन हमारी इंजरी का जर्नी फॉरवर्ड, एंड दिस इज लेक्चर 8 ऑन द सेक्शन ऑफ इंजरीज. एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट फोरेंसिक्स बैलिस्टिक्स पार्ट 2. यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट फोरेंसिक्स बैलिस्टिक्स पार्ट 1, जहां पर हमने बात करी थी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस एंड मेक्स ऑफ गन्स की, एंड दी एम्यूनिशंस दैट इज यूज्ड इन देम, यानी कि हमने बात करी थी कार्ट्रेजेस की. आज हम बात करने वाले हैं गनशॉट वूंड्स की. ओके, इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट गनशॉट वूंड्स के क्या फीचर होते हैं, क्या क्या चीज़ें बॉडी पे देखी जाती हैं. वील टॉक अबाउट रेंज ऑफ फायर, एंड वील टॉक अबाउट सर्टन बुलेट टाइप्स एंड फ्यू बुलेट फिनोमिनाज एसोसिएटेड विद दी मेडिको लीगल वर्ल्ड, जिनके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए कि क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, बिकॉज क्वेश्चंस आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू. चलिए जी, मैं ज़रा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लूँ उन लोगों के लिए जो लोग आज इस वीडियो को या फिर इस वीडियो को बाद में देखेंगे. माई नेम इज़ डॉक्टर सुमित तेलेवार. आई एम इन दी टीचिंग ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन फॉर मोर देन लास्ट 15 ईयर्स, एंड आई विल बी डूइंग इट टिल द टाइम आई कैन कंटिन्यू, बिकॉज दिस इज वॉट आई लव टू डू. आई लव टू टीच, आई लव टू शेयर माई एक्सपीरियंस जो मैंने पिछले MD करने के बाद हासिल किया. आई लव टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑल ऑफ यू. इसीलिए उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं रोज शाम को आपसे अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मिलता हूँ और मिलता रहूँगा. और अब जरा बरहम देख लें कि अगर आपको आज के लेक्चर या इससे पहले किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेरी एड्रेस करनी है तो आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो. आपको बहुत सिंपल सा काम करना है. यू नीड टू डाउनलोड टेलीग्राम ऐप इन योर फोन. वेरी वेरी सिंपल थिंग टू डू. एंड देन यू नीड टू टाइप livedaily.me/neetpg. अपने कर्सर में टाइप कीजिए, गूगल के सर्च में टाइप कीजिए, वो आपको सीधे आपके टेलीग्राम ऐप पे मेरे पास ले आएगा, जहाँ पर आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी कंसर्न हो सब्जेक्ट को लेकर के हम वो इजीली एड्रेस कर सकते हैं. ओके, ये सब करने के लिए आप क्यों इस प्लेटफॉर्म पे आए हो जरा वो भी देख लेते हैं. बिकॉज देर इज समथिंग दैट कनेक्ट यू टू अन अकेडमी. अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन में, ऑल दो हम आज तो यूट्यूब पे हैं, ये क्लास आप यूट्यूब पे लाइव फ्री देख रहे हैं. अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के आपके बेनिफिट्स क्या है. यू नो, लाइव क्लासेस हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस हैं विद एजुकेटर, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड हैं. जिस तरीके से एजुकेटर आपको पढ़ाता है ना, यू कैन पार्टिसिपेट विद योर एजुकेटर एट दैट मोमेंट इट्सेल्फ ऑन लाइव MCQ सॉल्विंग सेशंस. एंड देन टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस है कि भाई क्या जो हमें एजुकेटर पढ़ा के चला गया उसको अगर हमने कभी अपने टाइम पे देखना है कि मुझे कितना याद है. इफ आई डू हैव अ टाइम इन मेरे पास दिन में टाइम है, मगर एजुकेटर की लाइव क्लास शाम को है, मैं चाहता हूँ कि मैं वो टेस्ट सीरीज सॉल्व करूँ और मैं ये देखूँ कि मैं कितना प्रोग्रेस किया हूँ. यू कैन डू इट एनी टाइम. टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस अवेलेबल है आपके लिए. एंड अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आपके पास है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, जहाँ पर जिन सेशंस को आप ज्वाइन करके यू कैन बी विद योर एजुकेटर लाइव एंड आस्क वॉट एवर डाउट्स यू वॉन्ट टू आस्क. एंड अगर आपको ये सारी क्वालिटीज चेक करनी है
तो आप जा सकते हो अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस पे विच आर एब्सोल्युटली फ्री। दीज क्लासेस आर एब्सोल्युटली फ्री। आप जाइए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, वहां पर नीट पीजी के अंडर स्पेशल क्लासेस के टैब को दबाइए और स्पेशल क्लासेस फ्री में देखिए। ये स्पेशल क्लास देखने के बाद कम ओवर टू बाय द सब्सक्रिप्शन, क्योंकि उसके बाद आप रह नहीं पाओगे। सब्सक्रिप्शन आपको लेना है 12 मंथ का या फिर 24 मंथ्स का, वॉट एवर वर्क फॉर यू। अगर इसी साल एग्जाम देना है, दैट इज यू आर एन एस्पायरेंट जो 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, यू वुड गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। एंड इफ यू आर समवन हु हैज अ लिटिल मोर टाइम ऑन हिज हैंड, यू विल गो फॉर 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। वाई? बिकॉज दिस सब्सक्रिप्शन कम्स ऑन अ बल्क डिस्काउंट एज कंपेयर टू नॉमिनल मंथली सब्सक्रिप्शंस। आपको बहुत हैवी डिस्काउंट मिलता है। सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं है इस सब्सक्रिप्शन का फायदा। इस सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो भी टीचर आने वाले हैं, आप उनकी क्लास कभी मिस नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास बल्क सब्सक्रिप्शन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट, वेरी वेरी यूजेबल बेनिफिट। ओके, ये सब्सक्रिप्शन लेने के बाद व्हेन यू मूव टू योर पेमेंट पोर्टल, डोंट फॉरगेट टू यूज दी रेफरल कोड, जो कि है मेरा रेफरल कोड डॉक्टर सुमित लाइव, DRSUMITLIVE। ये यूज करने से आपको टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे 10% का और बेनिफिट होता है। बेनिफिट ही बेनिफिट है। ओके, तो आप रुके किस चीज के लिए हो, फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लो। 24 मंथ्स इज 36,000, 12 मंथ्स इज 24,750। पेमेंट के सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, जो भी आपके लिए सूटेबल हो यू कैन गो फॉर इट। इसके सिवाय एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी होता है, आई विल टेल यू एट दी एंड ऑफ दिस क्लास, हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, आज हम अब आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यू नो, कल जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन शेयर करे थे, एंड आई टोल्ड यू दैट द वर्ल्ड ऑफ फोरेंसिक बैलिस्टिक्स इज अ वेरी बिग वर्ल्ड, तो डॉक्टर को उससे क्या लेना देना होता है। तो हमने कुछ क्वेश्चन शेयर करके ये बताया था कि ये क्वेश्चंस आपके बेसिक फोरेंसिक बैलिस्टिक साइंसेस के हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में भी आते हैं एज एन एमसीक्यू इटसेल्फ। ओके, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू नो अबाउट द मेक ऑफ द गन एंड द मेक ऑफ द बुलेट्स। आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कर रहे, बट व्हाट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू इज दैट What are we doing today? That is the product that comes out from the gun, including bullet, and the effect the body has because of those products striking the body is probably the most important area when we say forensics ballistics, जो एक स्टूडेंट को जानना चाहिए। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहां से क्वेश्चंस आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, और सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन अ फायर आर्म इज डिस्चार्ज्ड, एंड व्हाट डू आई मीन दैट अ फायर आर्म इज डिस्चार्ज्ड इज कि जब बंदूक चलाई जाती है तो उस फायर आर्म में से क्या-क्या चीजें निकलती हैं। वन थिंग इज वेरी सिंपल दैट ऑफकोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स आउट ऑफ द मजल ऑफ द गन इज द बुलेट इट सेल्फ। ओके, बट डू यू रिकॉल यस्टरडे सेशन वी सेड दैट द बुलेट बेसिकली इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ कार्ट्रिज, और उस बुलेट को प्रोपेल करने के लिए, उसको फायर करने के लिए कार्ट्रिज में गन पाउडर भी होता है, उसकी बर्निंग बहुत जरूरी होती है, तभी तो बुलेट को मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, सो इसका मतलब व्हेन एवर द फायर आर्म इज डिस्चार्ज्ड,
जो कार्ट्रिज का केस है उसके अंदर देर इज गोइंग टू बी प्रोडक्शन ऑफ फ्लेम्स, कुछ जलेगा, विच मीन्स वी मे एक्सपेक्ट सम फायर ऑल्सो टू कम आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन. और जहां जहां आग है वहां क्या होता है, जहां आग वहां धुआं. सो वी आर एक्सपेक्टिंग सम स्मोक ऑल्सो टू बी देयर, बिकॉज वो क्या वर्डिंग होती है जिसमें कहते हैं ना, देर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर एंड इफ देर इज स्मोक देर हैज टू बी फायर. सो व्हाट आई एम सेइंग इज इफ देर इज फायर देर हैज टू बी स्मोक. एंड देन बिकॉज यू नो ऑल दिस बर्निंग ऑफ द गन पाउडर एंड द प्रोपल्शन ऑफ द बुलेट दिस हैपन्स इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ मिली सेकेंड, है ना, बहुत जल्दी निकलती है ना गोली. तो इतनी जल्दी जब वो कार्ट्रिज के अंदर गन पाउडर जल रहा है, देर आर हाई चांसेस दैट सम अमाउंट ऑफ दिस गन पाउडर मे रिमेन अनबर्न्ड और पार्टली बर्न्ड. क्योंकि जो गन पाउडर पूरा जल जाएगा अच्छे से, वो तो स्मोक बनाएगा, वो तो धुआं बनाएगा, कंबस्टन होगा उसका, तो वो तो एक्सपेंसाइल गैसेस प्रोड्यूस करेगा. बट वॉट इफ सम पार्टिकुलेट मैटर रिमेन्स कंप्लीटली अनबर्न्ड और पार्टली बर्न्ड. सो एज द बुलेट इज मूविंग आउट दीज पार्टिकुलेट मैटर मे ऑल्सो बी थ्रोन आउट इन टू द एटमोसफेयर फ्रॉम द बैरल ऑफ द वेपन एंड दे आर कॉल्ड एज पार्टली बर्न्ड और अनबर्न्ड गन पाउडर पार्टिकल्स. ओके, सो हमने क्या देखा, क्या क्या चीजें निकलती है. नंबर वन, देर इज बुलेट विच कम्स आउट. नंबर टू, देर इज फायर दैट कम्स आउट. नंबर थ्री, देर इज स्मोक दैट कम्स आउट. नंबर फोर, देर इज पार्टली बर्न्ड और अनबर्न्ड गन पाउडर पार्टिकल्स दैट कम्स आउट ऑफ द बैरल ऑफ द फायर आर्म वेन एवर अ बुलेट इज शॉट. ठीक है, सो अब देखते हैं वॉट इफ दीज सब्सटांसेज और द प्रोडक्ट्स विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द बैरल ऑफ द वेपन रीच द टारगेट एंड हिट द टारगेट. सो वॉट वी आर गोइंग टू टॉक इज effect of these products of the firearm discharge on the target itself. So if bullet hits the target, what will it cause? Bullet will cause something called as an entry wound into the body. And if bullet after creating an entry wound passes through the body creating whatever damage it has to do inside the body, it now exits the body also, it will produce what is called as an exit wound. Simple. So bullet kya produce karegi? Entry wound ya entry wound or exit wound. Aur agar sirf entry wound hai aur exit wound nahi hai, iska matlab bullet body mein ghusi hai aur uske baad mein body se bahar nahi nikli, wo body ke andar hi hai. Okay. इसके सिवाय बुलेट और क्या प्रोड्यूस करती है व्हेन इट इज एंटरिंग इनटू द टारगेट, समथिंग कॉल्ड एज एन एब्रेशन कॉलर एंड समथिंग कॉल्ड एज अ डर्ट कॉलर और आल्सो नोन एज अ ग्रीस कॉलर. ठीक है, सो आई वांट यू टू लुक एट दिस फोटोग्राफ नंबर वन एंड इन दिस फोटोग्राफ आई वांट यू टू पे अटेंशन to two specific areas. One is here. What we can see here, agar aap is photograph ko dhyan se dekhen, is a red ring like structure. और रेड रिंग लाइक अपीरियंस आई वुड से. अराउंड अ होल इन द बॉडी, दैट होल इज कॉल्ड एज एन एंट्री वुंड. और जो मैं वो आपको रेड रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ना, ओके, वो एक इंप्रेशन मार्क है. ओके, ये इंप्रेशन मार्क किस चीज का हो सकता है?
अब देखिए भाई, ये इम्प्रेशन मार्क जो है वो अगर बुलेट की हम बात करें तो बुलेट के साथ उसके वेपन का ही हो सकता है, बिकॉज बुलेट तो वेपन से ही चलाई जाती है। ट्राई एंड फॉलो द मेक ऑफ दिस इम्प्रेशन मार्क। ओके, ये चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है। दीज आर कॉल्ड एज मजल इंप्रेशन मार्क्स विच मे बी क्रिएटेड बाय दी मजल एंड ऑफ दी फायर आर्म। सो अगर मैं एक फायर आर्म लू और मैं उसको बॉडी पे टच कर दू और मैं शूट कर दू, तो जो शूटिंग की वजह से फोर्स आएगा ना, उस फोर्स से एक रिकॉइल जनरेट होता है। एंड वेन दैट गन रिकॉइल्स एंड देन हिट्स बैक द बॉडी, इट प्रोड्यूसेस एन इंजरी इन द शेप ऑफ द मजल ऑफ द गन, एंड दीज आर कॉल्ड एज मजल इंप्रेशन मार्क्स। ओके, और अगर आप इस इंजरी के अंदर और देखें यहां पर, ओके, व्हाट यू कैन सी देयर इज ब्लैक ब्लैक एरिया अराउंड द एंट्री होल और अराउंड द होल। ठीक है, दिस ब्लैक एरिया इज द ग्रीस डिपॉजिट दैट अ बुलेट कॉजेस अराउंड दी होल व्हेन इट एंटर्स इन टू दी बॉडी। अब ये कैसे होता है और ये कैसे बनता है, कहाँ से आता है, वो अभी हम 2 मिनट में देखेंगे। आई जस्ट वॉन्ट यू टू सी एंड अप्रिशिएट दिस पिक्चर एज ऑफ नाउ। ओके, एंड देन आफ्टर बुलेट वट कम्स आउट From the barrel of the weapon, we said fire comes out, and if the fire will reach the target, तो fire क्या करेगी भाई? अगर fire body पे लगती है तो fire एक ही काम करती है, या तो वो जलाएगी या वो झुलसाएगी। जहां आग लगती है वहां वो चीजें जो आसानी से नहीं जलती, लाइक बाल हो गए, बॉडी हेयर हो गए, वो क्या होते हैं? वो झुलस जाते हैं। दैट इज कॉल्ड ए सिंजिंग। सो वी मे सी बर्निंग और सिंजिंग बाय दी फायर। वॉट एल्स कम्स आउट फ्रॉम द बैरल इज स्मोक, और स्मोक का मतलब क्या होता है? धुआं। तो धुआं जहां भी जमता है वहां पर क्या करता है? इट कॉजेस ब्लैकनिंग ऑफ द एरिया। सो वी मे हैव ब्लैकनिंग ऑफ द स्किन। एंड लास्टली वॉट वी कैन सी कमिंग आउट इज गन पाउडर पार्टिकल्स, एंड गन पाउडर पार्टिकल्स व्हेन दे हिट दी बॉडी दे कॉज समथिंग कॉल्ड एज गन पाउडर टैटूइंग और टैटूइंग। टू पिक्चर्स, दीज टू पिक्चर्स शोज यू डिफरेंट एंट्री होल्स कॉज बाय टू डिफरेंट गन शॉट्स, एंड हेयर वी आर ट्राइंग टू सी मॉर्फोलॉजिकल अपीरियंस ऑफ हाउ एंट्री होल्स मे लुक ऑन दी बॉडी। सो ऑन द बैकग्राउंड ऑफ दिस नॉलेज, लेट्स ट्राई एंड ड्रॉ अ स्कीम ऑफ थिंग्स दैट विल बी हैपनिंग व्हेन ए गन शॉट इज मेड। ओके, सो चलिए सबसे पहले उसके लिए हम एक गन ही ड्रॉ करते हैं। सो वी से दैट व्हेन अ गन शॉट इज मेड, लेट्स से दिस इज द, बताया था, व्हेन अ राइफल्ड वेपन इज फायर्ड द बुलेट इज रिवॉल्विंग ऑन इट्स एक्सिस। सो दिस बुलेट इज रिवॉल्विंग ऑन इट्स एक्सिस एज इट इज मूविंग टूवर्ड्स द टारगेट। टारगेट क्या है? बॉडी ऑफ अ पर्सन।
सो व्हेन दिस बुलेट इज अबाउट टू एंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन, व्हाट विल दिस बुलेट डू? इट विल हिट द स्किन, इट विल स्ट्रेच द स्किन इन साइड. ट्राई एंड वॉच माई पाम, एज माई फिंगर हिट्स द स्किन, कंसिडर माई फिंगर इज बुलेट. इट हिट्स द स्किन एंड इट इज पुशिंग थ्रू द स्किन टू गेट इन साइड वाइल इट इज रिवॉल्विंग. सो वॉट इज हैपनिंग टू द एरिया ऑफ माई पाम वेयर माई फिंगर इज पुशिंग टू गो इन साइड, दैट एरिया ऑफ स्किन इज बींग स्ट्रेच्ड इन साइड. दिस इज एग्जैक्टली वॉट हैपन्स वेन ए बुलेट hits the body. So this bullet hits skin and some portion of the skin is stretched inside because the bullet is trying to penetrate through the skin. Now, because this bullet is in rotatory motion, this area, hold on. This area of the skin which is in contact with the rotatory motion of the bullet, even this area, this will come in friction with the bullet. Bullet एक rough object है lead का, तो जब वो stretch करके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, So, वो स्किन का एरिया जो उसने स्ट्रेच किया है वो बुलेट के साथ में फ्रिक्शन में भी तो आएगा. एंड देन आफ्टर रोटेटिंग थ्रू द एरिया द बुलेट मूव्स इनसाइड. व्हेन द बुलेट मूव्स इनसाइड व्हाट इट कॉजेस इज कॉल्ड एज एन एंट्री वूंड. ठीक है, तो बुलेट तो अंदर घुस गई, उसने जो होल बनाया उसको बोलते हैं एंट्री वुंड. वो मैंने आपके लिए बना दिया, पर वो जो स्किन स्ट्रेच हुई थी जिसके साथ में बुलेट फ्रिक्शन में थी, क्या वो इंजरी फ्रिक्शन की वजह से दिखती है एंट्री वुंड के आसपास? बिल्कुल दिखती है. द एरिया विच वॉज अंडर फ्रिक्शन, एज आई सेड, विच वॉज दिस एरिया ऑफ द स्किन, When the bullet enters inside, we can appreciate presence of this friction around the wound like this. और हमने अपनी इंजरीज पहले करी है ना, हमने क्या देखा था? When a rough surface comes in friction with the skin, what does it cause? It causes development of abrasion. It will abrade the superficial epithelium of that area. And so this entity which gets developed around the entry wound because of the bullet entering through the skin there, and it surrounds the entry wound like a circle, is called as an abrasion collar. Okay, एक एब्रेजन जो एंट्री वुंड को कॉलर की तरह एन सर्कल करता है. ठीक है, अच्छा एक चीज और देखते हैं. सी, जब ये बुलेट इस फायर आर्म से चलाई गई होगी तो इससे पहले इस फायर आर्म से काफी बार कुछ और भी तो बुलेट्स चलाई गई होंगी ना. एंड एवरी टाइम ए फायर आर्म इज डिस्चार्ज, यानी कि एवरी टाइम अ फायर आर्म is made to shoot, हमने बात करी थी that whenever firearms are discharged, some fire, some smoke and some gunpowder particles also come out of the barrel. So उनको बाहर निकलने के लिए बैरल में से ट्रैवल भी तो करना होगा. ठीक है ना, सो स्मोक भी तो पीछे से ट्रैवल करता हुआ ही आएगा ना बैरल में, और फिर एक्सटीरियर में फैल जाएगा. सो वो स्मोक जो बैरल के मेटालिक सरफेस से ट्रैवल करता हुआ आ रहा है, उसमें से कुछ स्मोक तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैरल के अंदर भी जमा हो जाएगा. और बैरल किस चीज का बना है? इट इज मेड अप ऑफ मेटल. और मेटल पे जब भी स्मोक जमा होता है तो क्या बनता है?
ग्रीस, ऑयली सरफेस, चिकनाहट. ओके, सो व्हाट आई इंटेंड टू से इज दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ रिपीटेड यूज ऑफ द गन सम अमाउंट ऑफ ग्रीजिंग वुड बी प्रेजेंट इनसाइड द बैरल ऑफ द वेपन. एंड लेट्स से दैट दिस ग्रीन कलर documents some greasing that is present inside the barrel of the weapon, and when subsequently this bullet would have been shot, which bullet jo is samay bhi hum dekh rahe hain apni picture mein, this bullet while traveling through that barrel, is bullet ke surface pe bhi kuch greasing to aayi jayegi, because while traveling through the surface of the barrel, this bullet will pick up some grease that is already present in the barrel of that weapon. And when this bullet later on is entering through the skin, revolving through it, because while making the hole, it is revolving through it, and then entering into the body. So while this bullet goes and revolves through the skin to move inside the body, the surface of the bullet will be wiped off from its grease. क्यों? क्योंकि जो skin के edges है ना, जिन पे से घूमते हुए bullet अंदर जा रही है, ये जो grease है, वो तो उसी edges पे रह जाएगा. Okay? So let's say that bullets makes a hole like this in this area of the skin, and then revolving through it, it goes inside the body, and so we said that it causes making of an entry hole. So right at the edges of the entry hole here, we may find some greasy deposits, and these are called as grease or dirt collar. So अभी तक हमने क्या देखा? When the bullet is shot, it on and it hits a person, it creates an entry wound. और उस entry wound के दो features हो सकते हैं. It may have an abrasion collar because of the friction of the bullet with the stretched portion of the skin as it is making its entry into the body, and it can have a grease collar because the grease which is already present on the surface of the bullet gets wiped off from its surface with the edges of the skin where the bullet is making a entry hole. और जब हम दोनों collars को देखते हैं तो हमें picture में क्या दिखाई दे रहा है? That अगर दोनों कॉलर एंट्री होल के में प्रेजेंट होंगे तो ग्रीस कॉलर अंदर होगा राइट एट द एजेस, और एब्रेजन कॉलर उसके बाहर होगा. सो एब्रेजन कॉलर विल बी सराउंडिंग द ग्रीस कॉलर. तो सर्कल की पोजीशनिंग कैसे है? सबसे अंदर एंट्री होल, बिल्कुल उसके एजेस पे ग्रीस कॉलर, और उसके बाद तीसरा सर्कल जो है दैट इज एब्रेजन कॉलर. ठीक है, तो ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है एंट्री वुंड के बारे में जानने के लिए. और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये क्या है कि जब ये बुलेट, अगर ये बुलेट एग्जिट कर जाती है बॉडी से, ठीक है, तो जब ये एग्जिट कर रही होगी ना तो ये सारे फिनोमेना नहीं होंगे, बिकॉज उस समय बुलेट बॉडी के अंदर से बाहर निकल रही होगी. सो यू विल नॉट फाइंड एनी एब्रेजन कॉलर एंड यू विल नॉट फाइंड एनी ग्रीस कॉलर. So those holes on the body which lack any abrasion collar or grease collar in a person who has been shot with gunshot wounds, they may be exit wounds of the body. ठीक है, हमेशा नहीं, but at least ये दो character तो आप याद ही रखें कि entry wound पे abrasion और grease collar होता है, exit wound पे नहीं होता. और चीज देखते हैं कि और एंट्री वुंड पे क्या हो सकता है. तो उसके लिए हमने बात करी थी दैट व्हेनेवर द फायर आर्म इज डिस्चार्ज देयर इज
एन एमिशन ऑफ फायर. हमने कहा था ना भाई फायर निकलती है, फायर के सिवाय और क्या निकलता है, फायर के सिवाय निकलता है स्मोक, बिकॉज वेयर एवर देर इज फायर देर इज स्मोक दैट कम्स आउट. और क्या निकलता है, हमने बात करी थी, और निकलता है गन पाउडर पार्टिकल्स. कौन से गन पाउडर पार्टिकल्स, हु आर पार्टली बर्न्ड और अनबर्न्ड. सो इवन दीज पार्टिकुलेट मैटर कम आउट ऑफ द बैरल एंड ट्रेवल टूवर्ड्स द टारगेट जस्ट लाइक द बुलेट. तो यहां पर चारों चीजें निकल गई जो हमने बोली थी अपने स्लाइड नंबर वन में. हमने देखा था क्या क्या निकलता है, बुलेट निकलती है, फायर निकलती है, स्मोक निकलता है, गन पाउडर पार्टिकल्स निकलते हैं. नाउ बुलेट हैज हाई मोमेंटम एंड हाई काइनेटिक एनर्जी. सो बुलेट तो बहुत दूर तक जाएगी. फायर, स्मोक और गन पाउडर पार्टिकल ज्यादा दूर तक नहीं जाते. कितनी दूर तक जाते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन ऑफ द गन. डिफरेंट डिफरेंट गन्स के मॉडल में या डिफरेंट गन्स की कैटेगरी में उनका जो अप्रोच या डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो डिफरेंट होता है. बट हम अपने बात करने के लिए एक प्रोटोटाइप मेजरमेंट यूज करते हैं, ठीक है. और वो प्रोटोटाइप मेजरमेंट क्या कहता है, वो प्रोटोटाइप मेजरमेंट कहता है दैट फायर इट ट्रैवल्स ये फायर का ट्रैवलिंग डिस्टेंस हो गया, इट ट्रैवल्स अबाउट 15 सेंटीमीटर. स्मोक 30 सेंटीमीटर. ओके, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मजल एंड ऑफ द गन. एंड दीज गन पाउडर पार्टिकल्स दे ट्रैवल अप्रोक्सीमेटली 1 meter from the muzzle end of the gun. ठीक है, ये भी सिंपल है. अब हमने क्या देखा था, हमने पहले देखा था फायर causes burning, smoke causes blackening and gunpowder causes tattooing. बट ये तभी तो कर पाएंगे इफ दे रीच द टारगेट, है ना. अगर टारगेट ही नहीं होगा और ये पहले ही खत्म हो जाएंगे तब तो फिर ना तो फायर का इफेक्ट आएगा बॉडी पे, ना स्मोक का इफेक्ट आएगा बॉडी पे, ना फिर टैटूइंग पार्टिकल्स का इफेक्ट आएगा बॉडी पे, ठीक है. तो अब कंसिडर करते हैं, लेट्स कंसिडर दैट देर इज अ मैन हु इज स्टैंडिंग हेयर. द मैन इज स्टैंडिंग विद इन द फर्स्ट 15 सेंटीमीटर्स ऑफ अ बुलेट बींग शॉट एट हिम. तो इस इंसान पे बुलेट हिट करेगी और क्या क्या हिट करेगा, फायर भी हिट करेगी बिकॉज ही इज स्टैंडिंग विद इन द रेंज ऑफ फायर, स्मोक भी हिट करेगा बिकॉज स्मोक की भी रेंज में खड़ा हुआ है वो, एंड उसकी बॉडी पे गन पाउडर पार्टिकल्स भी हिट करेंगे बिकॉज वो गन पाउडर पार्टिकल्स की रेंज में भी खड़ा हुआ है. So this person is going to have, अगर हम burning को BU लिखें, blackening को BL से denote करें और tattooing को T से denote करें यहां पर, ठीक है.
तो दिस पर्सन विल हैव बर्निंग ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग अलोंग विद द एंट्री वूंड ऑन हिज बॉडी. विच पर्सन हु इज स्टैंडिंग विद इन द फर्स्ट 15 सेंटीमीटर्स, दैट इज द रेंज ऑफ फायर. नाउ हाउ अबाउट अ पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर दैट इज बियॉन्ड 15 सेंटीमीटर्स बट विद इन द रेंज ऑफ स्मोक. दिस पर्सन विल नॉट हैव बर्निंग बिकॉज फायर तो 15 सेंटीमीटर पे ही खत्म हो गई, तो उसकी बॉडी पे तो फायर का इफेक्ट आएगा नहीं, बट स्मोक का इफेक्ट आएगा. दैट विल कॉज ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग अलोंग विद द एंट्री वुंड. तो इस इंसान में एंट्री वुंड के साथ में हमें ब्लैकनिंग भी देखने को मिलेगी, हमें टैटूइंग भी देखने को मिलेगी, ठीक है, पर बर्निंग या सिंजिंग देखने को नहीं मिलेगी. एंड हाउ अबाउट अ पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर दैट इज बियॉन्ड द रेंज ऑफ स्मोक ऑल्सो बट विद इन द रेंज ऑफ गन पाउडर पार्टिकल्स, दैट इज बियॉन्ड 30 सेंटीमीटर्स बट विद इन 1 सेंटीमीटर. तो यहां पर टैटूइंग मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा. सो ही विल ओनली हैव टैटूइंग, नो बर्निंग, नो ब्लैकनिंग अलोंग विद द एंट्री वुंड. सो हमने क्या देखा, इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग विद इन द 15 सेंटीमीटर्स ही विल हैव इफेक्ट ऑफ एवरी प्रोडक्ट दैट कम्स आउट फ्रॉम द बैरल. सो ही विल हैव इफेक्ट ऑफ बुलेट, सो द बुलेट का इफेक्ट होगा एंट्री वुंड, देन फायर का इफेक्ट होगा बर्निंग, देन स्मोक का इफेक्ट होगा ब्लैकनिंग, एंड देन गन पाउडर का इफेक्ट होगा टैटूइंग. बट इफ ही स्टैंडिंग बियॉन्ड 15 सेंटीमीटर बट विद इन द 30 सेंटीमीटर रेंज, तो उसके अंदर हमने ये देखा कि इस केस में, इस इंसान में बर्निंग का इफेक्ट नहीं होगा बट ब्लैकनिंग का इफेक्ट होगा और टैटूइंग का इफेक्ट होगा, ठीक है. तो इस रेंज में बर्निंग का इफेक्ट नहीं है. और अगर वो इंसान 30 सेंटीमीटर के भी बियॉन्ड खड़ा है बट विद इन 1 मीटर, दैट इज द रेंज ऑफ गन पाउडर पार्टिकल्स, दिस पर्सन विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ बर्निंग, ही विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ ब्लैकनिंग, बट ही विल हैव इफेक्ट्स ऑफ टैटूइंग अलोंग विद द एंट्री वुंड कॉज बाय द बुलेट. सो इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन डेड बॉडी, क्योंकि हम तो ये सारी चीजें डेड बॉडी में ही अप्रिशिएट कर पाएंगे ना, व्हेन द डेड बॉडी कम्स टू अस फॉर ऑटोप्सी. सो व्हेन डेड बॉडीज कम्स टू अस फॉर ऑटोप्सी, डिपेंडिंग अपॉन डेड बॉडी पे एंट्री वुंड के साथ में हमें और क्या फीचर्स दिख रहे हैं, वी कैन हैव एन ओपिनियन अबाउट द रेंज ऑफ शॉट, कि उस इंसान को कितनी दूर से प्रॉबेबली शूट किया गया होगा. गॉट इट? दिस इज हाउ यू नो ओपिनियंस कैन बी मेड बाय साइंटिफिक फाइंडिंग्स एंड ड्रॉइंग इन्फरेंसेस फ्रॉम दोज साइंटिफिक फाइंडिंग्स. एंड दिस काइंड ऑफ ओपिनियंस व्हेन गिवन टू इन्वेस्टिगेटिंग पीपल, इट बिकम्स हेल्पफुल फॉर देम बिकॉज नाउ दे कैन वर्क ऑन इट, कि इंसान को दूर से मारा है या पास से मारा है, पास से मारा है तो आगे, देन लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, यू नो, फ्रंट से है, बैक से है, एंड देन दे कैन इन्वेस्टिगेट अकॉर्डिंगली. हमारे लिए इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए जो साइंस जानना था वो तो हमने देख ही लिया. इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में, एंड देन वी विल ट्राई एंड सी कि कितना याद है हमें, ठीक है, ओके. अच्छा, आज ना मैंने वेलकम नहीं किया हमारे साथ में जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं लाइव. सो मिनल, वेलकम टू यू, यू आर द कीनेस्ट फॉलोअर आई नो. जब से चल रहा है तब से आप लगातार इस सीरीज को देख रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंसिस्टेंटली.
एंड यू पार्टिसिपेट 12 बजे के हमारे जो एमसीक्यू क्विज होता है उसमें भी यू आर अ रेगुलर पार्टिसिपेंट. ओके थैंक्स फॉर दैट. एंड देन वी हैव गंगन वर्मा ऑल्सो ज्वाइनिंग टूडे. ओके सो आई वेलकम यू ऑल्सो. ठीक है ओके आगे चलते हैं. एंड नाउ लेट्स सी कि अगली स्लाइड हमारे को गनशॉट वून्ड्स के बारे में क्या बताती है. तो ये जो स्लाइड है इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट शाई से शेप एंड साइज ऑफ द एंट्री वून्ड. सो अभी आपने क्या देखा था जब हम पिछली वाली स्लाइड पे वर्क कर रहे थे दैट व्हेन द बुलेट स्ट्राइक्स द बॉडी इट क्रिएट्स अ सर्कुलर और एन ओवल काइंड ऑफ अ वून्ड एंड देन एंटर्स इनटू द बॉडी. ओके सो क्या इट ऑलवेज क्रिएट्स अ सर्कुलर और ओवल काइंड ऑफ एन एंट्री वून्ड व्हेन इट इज एंटरिंग द बॉडी, या फिर वो उसका शेप या साइज डिफरेंट भी हो सकता है? अच्छा शेप चलो सर्कुलर ही रहेगा, क्या साइज वेरी करता है? वो सारी चीजें इस स्लाइड में हम जानने की कोशिश करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज द शेप एंड द साइज ऑफ द बुलेट दैट इट कॉजेज एज एन एंट्री वून्ड ऑन द बॉडी डिपेंड्स अपॉन कि वो किस रेंज से फायर की गई है. सो इफ द बुलेट हैज बीन शॉट फ्रॉम अ डिस्टेंट रेंज, डिस्टेंट रेंज मतलब दूर से फायर गई है करी गई है, जो जो विक्टिम है वो असेलियंट के बहुत पास नहीं है. ओके नाउ नॉर्मली वी कॉल समथिंग एज अ डिस्टेंट रेंज व्हेन इट इज मोर देन यू नो 4 to 6 meters. ओके तो आप मान के चलो, आप अभी अपने दिमाग में ऐसे मान लो कि 10 मीटर से फायर की गई है, तो 10 मीटर मतलब एक कमरे का डिस्टेंस हो जाता है मोर और लेस, एक बड़े से कमरे का. उस केस में दी एंट्री वूंड इज राउंड और ओवल, जनरली कॉरस्पॉन्डिंग टू दी साइज ऑफ दी बुलेट, जैसा कि हमने अपने पिछले डायग्राम में देखा था दैट व्हेन दी बुलेट एंटर्स इनटू द बॉडी इट क्रिएट्स अ वून व्हिच इज लाइक दिस राउंड टू ओवल व्हिच विल कॉरस्पॉन्ड टू द डायमीटर ऑफ द बुलेट. अगर बुलेट थोड़ी पतली है तो एक छोटा राउंड बनेगा, अगर बुलेट थोड़ी मोटी है तो एक बड़ा राउंड बन जाएगा. इट मे बी बिगर राउंड इफ द डायमीटर ऑफ द बुलेट इज स्लाइटली बिगर. ठीक है बट व्हेन द बुलेट द रेंज स्टार्ट्स टू कम नियर टू द बॉडी, ठीक है तो हम डिस्टेंस से उसको पास पास लेके आ रहे हैं, एंड व्हेन द रेंज ऑफ द गन कम्स टू अ डिस्टेंस विच इज कॉल्ड एज अ क्लोज रेंज. क्लोज रेंज एक इंपॉर्टेंट रेंज है, इसलिए डिस्टेंट के बाद में मैं उसको पास लेके आ रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ पाए. व्हेन इट कम्स टू अ क्लोज रेंज द एंट्री वून बिकम्स बिग एंड इट मे बी क्रिसेंटिक और हॉर्स शू शेप. सो क्लोज रेंज जनरली इज अ रेंज विच इज अबाउट 30 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द बॉडी, यानी कि 1 फुट के डिस्टेंस या फिर उसके आसपास के डिस्टेंस को हम जनरली क्लोज रेंज कहते हैं. और जब गोली क्लोज रेंज से बॉडी पे शूट करी जाती है तो ये क्या कह रहे हैं, एंट्री वूंड जो है फिर वो छोटा नहीं रहता, फिर वो बड़ा बन जाता है. सो क्लोज रेंज में लुक लाइक दिस. ओके ए क्रिसेंट्रिक और अ हॉर्सशू काइंड ऑफ एन एंट्री वून. नाउ कैन यू सी द डिफरेंस, वी वर सेइंग डिस्टेंट रेंज में इस तरीके के गोले दिखते हैं एंट्री वून के. लेट मी ड्रॉ इट हेयर. डिस्टेंट रेंज इज लाइक दिस, ए राउंड टू सर्कुलर ओवर काइंड ऑफ अ वून विच कॉरेस्पॉन्ड टू द डायमीटर ऑफ द बुलेट. इन दैट कंपैरिजन कैन यू सी दैट दिस इज बिग. ठीक है तो जैसे ही हम क्लोज रेंज में आते हैं एंट्री वूंड बड़ा हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है. सो साइज एंड शेप बोथ वेरी
When the bullet is shot from a close range, the size is big, bigger than the diameter of the bullet, and usually the shape is a horseshoe or a crescentic kind of a shape. Now let's see what happens when the gunshot is made from a contact range. Contact range matlab ab wo skin ke contact mein hi aa gaya hai jo firearm ka barrel hai. Is case mein the size of the wound is biggest. And the shape is stellate or star shaped. The margins are often ragged, ठीक है, and burnt, जले हुए और burnt. The reason is what we call as a blowback phenomena. The margins are burnt and everted. ठीक है, इवर्टेड क्यों स्पेसिफिकली कह रहा हूं मैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को बड़े आराम से आप समझ जाओगे कि नॉर्मली जब बुलेट बॉडी के अंदर जाएगी तो वो अंदर की तरफ जा रही है ना स्किन के थ्रू, तो जब वो अंदर चली जाएगी तो स्किन के जो मार्जिन्स कैसे होंगे, वो इन्वर्टेड होंगे, क्योंकि बुलेट अंदर जा रही थी वहां से. एंड जब एंट्री एग्जिट वुंड होगा, वहां से बुलेट बाहर निकल रही है बॉडी से, तो जो एग्जिट वुंड बनेगा बॉडी पे उसके मार्जिन कैसे होंगे, उसके मार्जिन इवर्टेड होंगे स्किन के, बिकॉज द बुलेट इज एग्जिटिंग आउट ऑफ द बॉडी. बट हम ये कह रहे हैं कि जब कॉन्टैक्ट रेंज में शॉट होता है तो एंट्री वुंड के मार्जिन भी इवर्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ अ फिनोमिना कॉल्ड एज ब्लो बैक फिनोमिना. तो सबसे पहले तो आप एक एक्चुअल फोटोग्राफ देखो ऑफ ए कॉन्टैक्ट रेंज शॉट एंड ट्राई एंड अप्रिशिएट द स्टार शेप्ड अपीयरेंस ऑफ दिस वुंड एंड सी हाउ बिग this wound looks like. This is what we are talking about. So when the range is contact, the size of the entry wound is biggest and the shape normally is a stellate shape because of a phenomena called as blowback phenomena. Dekhte hain ki ye blowback phenomena kya hota hai and why is it so important. To understand the blowback phenomena, consider that this pen is the muzzle, barrel of the gun, and this is in contact with my body here. And from now, a shot is made. So the moment that shot is made, barrel में से क्या निकलने वाला है? Bullet निकलेगी, fire निकलेगा, smoke निकलेगा, और tattooing particles निकलेंगे. तो क्योंकि बुलेट तो स्किन के बैरल तो स्किन के कांटेक्ट में है, तो जो स्मोक निकल रहा है, जो फायर निकल रहा है, जो गन पाउडर पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उनके पास तो एनवायरमेंटल स्पेस नहीं है स्प्रेड करने के लिए, अदरवाइज तो स्पेस में स्प्रेड करते ना, तो वो क्या करेंगे, वो भी जो बुलेट ट्रैक कॉज करेगी ना, क्योंकि बुलेट निकल के तो अंदर जाएगी और बॉडी में अपना एक ट्रैक बनाएगी, तो वो भी उसी ट्रैक में अंदर चले जाएंगे बिकॉज दे डोंट हैव एनवायरमेंटल स्पेस टू स्प्रेड. सो फायर भी उसी ट्रैक में चला जाता है, गन पाउडर पार्टिकल्स भी उसी ट्रैक में चले जाते हैं, द ट्रैक क्रिएटेड बाय द बुलेट. स्मोक भी उसी ट्रैक में जाना चालू करता है, बट दिस स्मोक विच कम्स आउट इज अ हाईली प्रेशराइज्ड स्मोक. सो स्मोक को क्या चाहिए होता है, हमेशा फैलना चाहता है स्मोक. सो एज द स्मोक एंटर्स द ट्रैक, इट फाइंड्स अ पोटेंशियल स्पेस टू स्प्रेड that is beneath the scalp above the periosteum. कुछ अमाउंट ऑफ स्मोक insinuates इन दिस एरिया, वो स्किन के नीचे घुस जाता है, स्प्रेड्स फॉर अ वाइल एंड देन ब्लास्ट ऑफ. दिस इज कॉल्ड एज ब्लो बैक फिनोमिना. ठीक है, द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द मजल ऑफ द गन insinuating beneath the skin over the scalp, in the scalp over the periosteum and then blasting off is called as blowback phenomena. Because this blast happens beneath the scalp lacerates into a bigger wound, ठीक है, and the margins of these lacerations are get
एंड दे आर थ्रोन आउट, क्योंकि ब्लास्ट तो अंदर हुआ है इसीलिए वो इवर्टेड मार्जिन्स बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ब्लोबैक फिनोमेना के कारण इवर्टेड मार्जिन्स हो सकते हैं इन कॉन्टैक्ट रेंज ऑफ फायर। तो ये ब्लोबैक फिनोमेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की कोशिश करनी है हमने। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम जिस रेंज ऑफ शॉट की बात कर रहे थे ना, कि शॉट किस रेंज से किया गया है, कितनी दूर से कितनी पास से, तो उसकी वजह से एंट्री वूंड और एसोसिएटेड फीचर्स बॉडी पे दिखते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी सी द रेंज एंड विल स्टार्ट विद डिस्टेंट रेंज, मैंने कहा ना एक गन शॉट जो दूर से मारा गया है, तो उसके केस में शेप एंड साइज ऑफ एंट्री वूंड कैसा दिखेगा। द शेप एंड द साइज ऑफ एंट्री वूंड विल बी सर्क्यूलर कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइज ऑफ द बुलेट। क्या हमें एंट्री वूंड के साथ कुछ और दिखेगा ऑन द स्किन और ऑन द बॉडी? हाँ, हमें एंट्री वूंड के साथ में एब्रेशन कॉलर और ग्रीस कॉलर दिख सकते हैं, बिकॉज ये दोनों बुलेट फिनोमेना है। बुलेट तो जा ही रही ना अंदर, मगर हमारे को एब्रेशन कॉलर और ग्रीस कॉलर के सिवाय कोई भी फायर का फिनोमेना, कोई भी स्मोक का फिनोमेना और कोई भी गन पाउडर का फिनोमेना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंट रेंज से फायर किया हुआ है। बट वॉट इफ द फायर इज बींग मेड फ्रॉम अ क्लोज रेंज? तो अगर हम क्लोज रेंज देखें, देन वी विल हैव एन एंट्री वूंड विच इज क्रिसेंटिक एंड बिगर इन साइज। तो दोबारा से बनाता हूं, यहां पर तो सर्कुलर था, यहां पर क्रिसेंटिक बन गया और बड़ा भी हो गया। वो अभी हमने पहले देखा पिछली स्लाइड में कि क्लोज रेंज में द वूंड एंट्री वूंड बिकम्स बिग एज कंपेयर टू अ डिस्टेंट रेंज और शेप बिकम्स क्रिसेंटिक। पर क्या इसके साथ कुछ और भी मिलेगा हमें स्किन पे? यस, दिस टाइम अपार्ट फ्रॉम हैविंग एब्रेशन एंड ग्रीस कॉलर विच आर द बुलेट फिनोमेनास, वी कैन हैव बर्निंग, ब्लैकनिंग, टैटूइंग अराउंड द वूंड डिपेंडिंग अपॉन वो 30 सेंटीमीटर से है या 15 सेंटीमीटर से भी क्लोज से है। ठीक है, तो वो हमने उसमें देखा था अपनी स्लाइड में पहले, दैट इफ द शॉट हैज बीन मेड फ्रॉम 30 सेंटीमीटर देन वी मे नॉट हैव बर्निंग, बट इफ इट इज मोर लेस देन 15 सेंटीमीटर वी विल हैव ऑल थ्री ऑफ देम, दैट इज बर्निंग, ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग। सो वी कैन से दैट इन क्लोज रेंजेस वी मे हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बर्निंग, ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग प्रेजेंट अलॉन्ग विद द एंट्री वूंड विच सीम्स टू बी बिगर एंड अ डिफरेंट शेप। एंड वेन वी कम टू ए कॉन्टैक्ट लेवल और अ कॉन्टैक्ट रेंज द मजल इज एक्चुअली कॉन्टैक्टिंग द स्किन, द साइज इज बिगेस्ट, वी सॉ दैट शेप इज स्टीलेट लाइक दिस। अभी देखा था ना, the biggest size, the shape is usually stellate and we have ragged burnt margins of the entry wound which is everted, and because of that ragged and burnt margins of the entry wound hame skin pe ho sakta hai abrasion collar ya grease collar nahi dikhai de kyunki wahan par to ek blast hua tha, theek hai, but we may have burning, blackening and tattooing being found but not अराउंड द वूंड बट दिस टाइम इन द ट्रैक ऑफ द वूंड, क्योंकि जो कुछ भी निकला वो वूंड के ट्रैक में ही चला गया। सो इफ यू हैव अ क्वेश्चन स्टेटिंग टू यू दैट ए पर्सन हैज अ गनशॉट एंट्री वूंड विच इज बिगर देन नॉर्मल, पर उसमें कोई शेप नहीं बताई है आपको, उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया क्वेश्चन में दैट इट इज अ बिगर एंट्री वूंड और अ बिग साइज एंट्री वूंड एंड बर्निंग, ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग पे कुछ कमेंट्स हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि ये क्लोज रेंज है या कॉन्टैक्ट रेंज है? हाँ, हम बता सकते हैं। इफ द वूंड इज बिग, बर्निंग, ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग इज अराउंड द वूंड, इट इज क्लोज रेंज। इफ द वूंड इज बिग, बर्निंग, ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग आर इन द ट्रैक ऑफ द वूंड, इट इज कॉन्टैक्ट रेंज। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आइडिया है
हम थोड़ा सा और लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मे बी फ्यू डेज फ्रॉम नाउ। तब तक थोड़ा सा रिवाइज करिएगा जो भी आप इस समय देख रहे हो, ठीक है? सो दैट उस क्विज में आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओ। माई इंटेंशन इज दैट यू आर इग्नाइटेड टू एक्वायर द नॉलेज, एंड इफ यू कैन डू सो, हाफ मोर देन हाफ ऑफ माई जॉब इज डन। नाउ लास्टली वी विल क्विकली टॉक अबाउट सर्टन बुलेट एंड बुलेट फिनोमिनास। ओके, वन बुलेट इज कॉल्ड एज अ डम डम बुलेट। व्हाट इज अ डम डम बुलेट? ये सारी बुलेट ना एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है एज एन एमसीक्यू की क्या होती है। डम डम बुलेट इज बेसिकली अ बुलेट जिसके सेंटर में ना एक नॉच होता है, आप ऐसे समझ लो, ये रही ये बुलेट है, इसके सेंटर में एक छोटा सा छेद है। सो व्हेन दिस बुलेट गोज एंड स्ट्राइक्स द ऑब्जेक्ट एंड एंटर्स द बॉडी, तो इस नॉच के कारण ये खुल जाती है। सो व्हेन इट एंटर्स इनटू द बॉडी, दीज ओपन रैगेड एंड जैगेड एंड्स दे प्रोड्यूस मोर डिस्ट्रक्शन, ठीक है? अनदर बुलेट इज कॉल्ड एज अ टैंडम बुलेट, ऑल्सो नोन एज पिगी बैक बुलेट। टैंडम मीन्स वन बिहाइंड द अदर। ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए एक आदमी है, उसने फायर किया और फॉर सम रीजन जो गोली है वो नहीं निकली बाहर, बुलेट इट गॉट स्टक, एंड देन उस समय उसने मान लो रख दी बंदूक, एंड देन कुछ दिन के बाद में ही फायर्ड ऑन अनदर पर्सन। तो जो पोस्टीरियर बुलेट इस बारी आई थी, उसने एंटीरियर स्टक बुलेट को भी साथ में निकाल दिया। सो वन फायर वॉज मेड बट टू बुलेट्स केम आउट वन बिहाइंड अनदर, दिस इज कॉल्ड एज टैंडम बुलेट। एंड वाई वुड दिस हैपन? बिकॉज द प्रीवियस वन वॉज स्टक, इट डिडंट कम आउट। ओके, देन अनदर वन इज कॉल्ड एज अ यॉनिंग बुलेट। यॉनिंग बुलेट इज अ बुलेट विच हैज बीन फायर्ड इनटू इट्स ट्रैजेक्ट्री। भाई जब भी हम बुलेट फायर करेंगे तो उसकी एक ट्रैजेक्ट्री होगी ना, कभी तो खत्म होगी, एक ट्रैजेक्ट्री मोशन में जाएगा वो, तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा वो। तो व्हेन दिस बुलेट गोज इनटू इट्स ट्रैजेक्ट्री, इट डज नॉट हिट एनीथिंग, ठीक है? सो अ टाइम शैल कम व्हेन दिस बुलेट विल लूज ऑल इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? एंड वेन दिस बुलेट विल हैव लॉस्ट ऑल इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो उसका मोमेंटम तो खत्म हो गया, दिस बुलेट विल बी फॉलिंग टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। दिस पोर्शन वेयर द बुलेट हैज ऑलमोस्ट लॉस्ट इट्स ऑल काइनेटिक एनर्जी एंड नाउ इट विल बी फॉलिंग टू द ग्राउंड इज कॉल्ड एज अ यॉनिंग बुलेट। अ बुलेट विच डज नॉट हैव दी काइनेटिक एनर्जी और द फायर पावर, क्योंकि बुलेट की फायर पावर क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी तो होती है। इफ द दिस बुलेट हिट्स समबडी नाउ, इट्स नॉट गोइंग टू कॉज एनी ग्रेट डिस्ट्रक्शन, क्योंकि खास डिस्ट्रक्शन नहीं करने वाली। एक और बुलेट होती है, उसको बोलते हैं हम टम्बलिंग बुलेट। टम्बलिंग बुलेट का मतलब क्या हुआ? नॉर्मली बुलेट अपने एक्सिस पे इस तरीके से रोटेट करती हुई टारगेट के पास जा रही है, बट वॉट इफ द बुलेट इज नॉट गोइंग स्ट्रीमलाइन टू द टारगेट, इट इज टम्बलिंग टूवर्ड्स द टारगेट, दिस इज कॉल्ड एज अ टम्बलिंग बुलेट। दिस मे हैपन इफ द बुलेट हैज बीन फायर्ड फ्रॉम अ मिसफिटिंग फायर आर्म। बुलेट का साइज पतला है, उसको आपने एक ऐसे फायर आर्म से चला दिया है जिसमें बैरल का साइज मोटा है, सो जैसे ही बुलेट लॉट ऑफ मोमेंटम, लॉट ऑफ वेलोसिटी के साथ में बैरल में आती है, वो बैरल में स्नगली फिट नहीं होती, सो वाइब्रेट करती है, और जैसे ही वो बैरल से एग्जिट होकर के एटमॉस्फेयर में आती है, स्टार्ट्स टू टम्बल टूवर्ड्स दी टारगेट, डज नॉट गेट द स्मूथ रोटेटरी वाइब्रेटरी मोशन थ्रू द बैरल। इफ दिस बुलेट डज हिट द टारगेट, इट मे नॉट हिट द टारगेट हेड ऑन। नॉर्मली बुलेट कैसे लगती है? सीधी आकर के। सो इट मे हिट द टारगेट लॉन्गिट्यूडनली थ्रू इट्स लेंथ रादर देन थ्रू इट्स टिप। सो एंट्री वुंड इन केसेस में हो सकता है लॉन्गिट सर्कुलर या ओवल नाउ एंट्री वुंड हो सकता है इस केस में, ऐसा बन जाए क्योंकि द बुलेट हैज हिट ऑन इट्स लेंथ, एंड दिस में क्रिएट एन आर्टिफैक्ट, क्योंकि देखने में वो एक एंट्री वुंड जैसा नहीं लग रहा होगा, एंड दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ टम्बलिंग बुलेट। देन अनदर सिचुएशन इज कॉल्ड एज अ रिकोशिएट बुलेट। रिकोशिएट बुलेट इज बेसिकली अ बुलेट विच चेंजेस द डायरेक्शन आफ्टर बींग डिफ्लेक्टेड फ्रॉम समथिंग इन इट्स ओरिजिनल पाथ। सो बुलेट को शूट किया, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, रास्ते में कोई चीज थी उससे टकराई और बुलेट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब
अब वो जाकर के किसी और को लग गई किसी और डायरेक्शन में. दिस इज कॉल्ड एज अ रिकोशिएट बुलेट फिनोमेना. अगेन बिकॉज द बुलेट गेट्स रिकोशिएटेड ऑफ इट मे नॉट हिट द टारगेट हेड ऑन एंड सो इट मे नॉट क्रिएट अ राउंड एंड एन ओवल सर्कुलर वुंड. इट मे हिट द टारगेट लॉन्गिट्यूडनली. सो दोबारा से एक लॉन्गिट्यूडनल एंट्री वुंड की तरह बन सकता है विच विल क्रिएट एन आर्टिफैक्ट अपॉन विजन जब हम उसका ऑटोप्सी एग्जामिनेशन करेंगे. ठीक है. एंड लास्टली विल टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना एसोसिएटेड विद गन शॉट वुंड्स कॉल्ड एज कैनेडी फिनोमेना. दिस इज कॉल्ड एज कैनेडी फिनोमेना क्योंकि ये जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन के टाइम पे हुआ था. वॉट इज कैनेडी फिनोमेना? सी जब ना किसी डिस्टेंट रेंज से बुलेट शूट करी जाती है किसी इंसान में तो उसमें बर्निंग सिंजिंग टैटूइंग तो होगी नहीं. ठीक है, डिस्टेंट रेंज से है तो बर्निंग सिंजिंग टैटूइंग आएगी नहीं. तो बुलेट एंटर करी बॉडी को और बुलेट एग्जिट कर गई बॉडी को. पर्टिकुलरली इन स्नाइपर फायर्स जहां पर बुलेट भी बड़ी यूज करते हैं, वेलोसिटी हाई होती है, सो इट डज क्रिएट एन एंट्री एंड एन एग्जिट वुंड. तो इस केसेस में ना अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो हम कैसे बता पाएंगे कि यार दो छेद है, अब इसमें से एंट्री कौन सा, एग्जिट कौन सा है? तो ना हमेशा एक रूल ऑफ थंब याद रखने की बात यह है कि जो बुलेट के द्वारा किया गया एंट्री वुंड होता है ना वो छोटा होता है. इट इज सर्कुलर एंड इट करस्पॉन्ड्स टू द डाया ऑफ द बुलेट. और जब बुलेट एग्जिट करती है ना बॉडी से तो फाड़ के निकलती है, तो एग्जिट वुंड बड़ा होता है. ठीक है. तो डिस्टेंट फायर के केसेस में हाउ कैन वी टेल विच इज एंट्री एंड विच इज एग्जिट? बिकॉज बताना जरूरी क्यों है? ताकि पता चले गोली किस तरफ से आई थी. अगर दो वुंड है, एक इधर एंड राइट हैंड साइड वाला एंट्री है, लेफ्ट हैंड साइड वाला एग्जिट है, इसका मतलब द शॉट वॉज मेड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द विक्टिम. बट इफ द लेफ्ट हैंड साइड वाला एंट्री और राइट साइड वाला एग्जिट है, इट मीन्स द शॉट वॉज मेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द विक्टिम. तो इन्वेस्टिगेटर को हेल्प मिलती है जब हम ये इन्फॉर्मेशन उनको कन्वे करते हैं अपने ऑटोप्सी रिपोर्ट में. तो यहां तक आपको समझ में आया? नाउ ये बताना इजी अगर हो जाएगा होता है अगर उस इंसान की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए. बट अगर उस इंसान की ऑन द स्पॉट डेथ नहीं होती और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है वेयर अ सर्जन ट्राइज टू ऑपरेट ऑन हिम टू सेव हिज लाइफ. तो ऑपरेट करते समय सर्जन क्या करेगा? ही हैज टू ओपन अप द ट्रैक ऑफ द वुंड टू क्लीन द एरिया टू डिब्राइव द वुंड टू टाई द ब्लीडर्स एंड टू रिपेयर वॉट एवर स्ट्रक्चर्स इट हैज डैमेज्ड. एंड लेटर ऑन इफ द पर्सन डाई आफ्टर बींग ऑपरेटेड नाउ इट बिकम्स डिफिकल्ट टू टेल विच इज एंट्री एंड विच इज एक्सिट बिकॉज सर्जन हैज ओपन्ड द ट्रैक नाउ एंड बोथ द लीजन्स आर बिग. जब सर्जिकल ऑपरेशन हो जाएगा तो दोनों ही बड़े बड़े दिखेंगे ना. This is called as Kennedy phenomena. So what exactly is Kennedy phenomena? It's a surgical artifact created by the surgeon in an attempt to resuscitate a victim of a gunshot wound. And later on if the victim dies, it becomes difficult to tell on autopsy which is entry and which is exit wound because now both the wounds are big in size because of surgical procedures being done on them. ठीक है. So आज हम यहां तक करेंगे. And ये बहुत सारा आइडिया है forensic ballistics के बारे में. और दो forensic ballistics में ना बहुत सारी और चीजें हैं. We'll try and cover up some more things in the MCQ session जब हम फायर आर्म इंजरीज पे करेंगे. अगर आपके पास में कोई क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी एट टेलीग्राम ऐप. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके आप मुझे livedaily.me/neetpg पे यू नो यू जस्ट नीड टू फॉलो दिस लिंक. अगर आप इस लिंक को अपने कर्सर पे टाइप करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको टेलीग्राम ऐप पे ही ले आएगा. यू कैन सेंड क्वेरीज. I'm there to attend to your queries. ठीक है. I can see हमारे पास आज प्रवेश ने भी ज्वाइन किया है. प्रवेश सॉरी आई डिडंट सी योर नोटिफिकेशन अर्लियर एंड आई पर्सनली वॉन्ट टू वेलकम यू
टू दिस सेशन, होप इट वॉज अ गुड वन फॉर यू. ठीक है, ओके जी. अब हम बात करते हैं कि ये सारी जो पढ़ाई वढ़ाई आप कर रहे हो ना, इसका आपका एक गोल है. आप यू वॉन्ट टू रीच टू सम गोल, एंड दैट गोल इज दैट यू वॉन्ट टू क्रैक योर नीट पीजी एग्जामिनेशन. जब भी आप देना चाहते हो, 21, 22, 23 आपके दिमाग में टारगेट है नीट पीजी को क्रैक करना है, उसमें अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपकी हेल्प कैसे करेगा? बाय गिविंग यू लाइव क्लासेस, बाय गिविंग यू इंटरैक्टिव टीचर्स, बाय गिविंग यू लाइव पोलिंग एंड लीडर बोर्ड्स, सो दैट जब आप करते हो ना, वो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ऐसा कहीं पर भी लगे कि कोई क्वेरी फिर भी रह गई है आपके पास में, टेस्ट सीरीज है प्रैक्टिस करने के लिए, एंड ऑन टॉप ऑफ इट अगर फिर भी कुछ रह जाता है, आपके पास है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस. तो दिस इज द बंडल विच अन अकेडमी इज प्रोवाइडिंग यू ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, दैट इज अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन. फटाफट लेना है दोस्त. और अगर आपको इसके बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ आपके लिए रह गया है देखने के लिए, गो एंड चेक आउट अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस. वो अन अकेडमी के ऐप प्लेटफॉर्म पे एब्सोल्युटली फ्री है, बिल्कुल फ्री, कंडक्टेड बाय वंडरफुल वंडरफुल टीचर्स. उनके पढ़ाने का तरीका देखो, गो एंड चेक आउट. एंड उसके बाद में फटाफट से अन अकेडमी की नीट पीजी सब्सक्राइब कर लो. सब्सक्रिप्शन के लिए तो बाकी चीज़ें आपको पता है क्या करनी होती हैं. इंस्टॉल करो ऐप, इंस्टॉल करने के बाद में नीट पीजी पे आ जाओ, अन अकेडमी के ऐप पे. नीट पीजी पे जब आप आओगे तो आपको वहाँ दिखाई देगा नीट पीजी प्लस, विच इज़ द सब्सक्राइब फॉर्मेट. उसको क्लिक करो. उसको जब आप क्लिक करोगे तो सब्सक्रिप्शन के पैसे मांगेगा. आपको चूज करना है कि आपको किस तरीके का सब्सक्रिप्शन चाहिए. माई एडवाइस, 12 महीने अगर आप 2021 देने वाले हो नीट पीजी, और 24 मंथ्स अगर आप 2022 देने वाले हो. बल्क सब्सक्रिप्शन है, डिस्काउंटेड सब्सक्रिप्शंस होते हैं बल्क में, आप देख सकते हो. एंड इस ड्यूरेशन में कोई भी टीचर मिस नहीं कर पाओगे आप, जो प्लेटफॉर्म पे आएगा, अपनी कला दिखाएगा और आपको बड़ी आसानी से वो सब्जेक्ट सिखा देगा जो आपको शायद डिफिकल्ट लगता होगा. सो आप क्यों चाहोगे कि वो चीज़ मैं मिस कर जाऊं? दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, बल्क सब्सक्रिप्शन इज मस्ट फॉर यू. एंड व्हेन यू आर बाइंग द बल्क सब्सक्रिप्शन, आप चाहोगे कि मुझे थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाए तो बहुत बढ़िया था, वो भी अवेलेबल है. वो कैसे अवेलेबल है? यू नीड टू टाइप रेफरल कोड, दैट इज डॉक्टर सुमित लाइव, दैट इज माई रेफरल कोड, क्योंकि मैं कह रहा हूँ आपको कि सब्सक्रिप्शन लेना है. The moment you type DRSUMITLIVE, you get 10% discount on your subscription amount. और आपका subscription amount ये cost करेगा. The figures are on the board. You have different options to pay. Don't worry about that. You have EMI options. You have pay in parts. You can pay through net bankings. You can pay through credit or debit cards. So you have plenty of options to pay. ठीक है जी, तो वेट नहीं करनी है, फटाफट ले लो. अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, अगर प्लस के साथ में थोड़ा सा आप हैवी प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, कुछ होते हैं स्टूडेंट्स कि नहीं वी वांट मोर बिकॉज वी आर रियली फोकस्ड, तो एक आइकॉनिक प्रिपरेशन, एक आइकॉनिक प्लेटफॉर्म भी है. ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फायदा क्या होता है आपको, कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो प्लस के साथ में आपको प्रेप लैडर का भी प्लेटफॉर्म मिल जाता है विद लिटिल एक्स्ट्रा प्रीमियम. उसके बेनिफिट्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या मिलते हैं प्रेप लैडर से? यू हैव वीडियो लेक्चर्स ऑफ प्रेप लैडर, यू हैव क्वेश्चन बैंक 2.0 सीरीज, रैपिड रिवीजन कोर्स जो भी प्रेप लैडर के आएंगे वो भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे. आप खाली टाइम में खुद भी रिहर्स कर सकते हो नोट्स. गुड, अगर आपको ये चैनल पसंद आया, सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा. ओके, मिलते हैं जी
कल अपने नए लेक्चर में, तब तक ध्यान रखिएगा। माई रेफरल कोड इज DRSUMITLIVE. व्हेनेवर यू आर बाइंग एनी सब्सक्रिप्शन ऑन एन अकेडमी, इफ यू यूज इट यू विल गेट 10% बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसके बाद। चले जी, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय।